धरती हमारी माता है और हम उनके पुत्र। माता और पुत्र के इस रिश्ते का पवित्र सेतु यानी प्राकृतिक कृषि। प्राकृतिक कृषि प्रक्रिया में धरती का अमृत, जीवामृत। आइए हम जानते हैं कि जीवामृत का निर्माण कैसे होता है। प्रयोगों से पता चला है कि 10 किलोग्राम गोबर के साथ गौमूत्र, गुड़ एवं दो दले चीजों का आटा या बेसन आदि मिलाकर यदि उसका प्रयोग किया जाए तो चमत्कारिक परिणाम मिलते हैं, जिसका नाम रखा गया जीवामृत। जीवामृत निर्माण के लिए जरूरी सामग्री देखते हैं। 10 किलोग्राम देसी गाय का गोबर, 8 से 10 लीटर देसी गाय का मूत्र, 1.5 से 2 किलोग्राम गुड़, 1.5 से 2 किलोग्राम बेसन, 180 लीटर पानी, मुट्ठी भर पेड़ के नीचे की मिट्टी। आसानी से उपलब्ध इन सामग्री से जीवामृत बनाने की विधि भी इतनी सरल है कि कोई भी किसान इसे अपने आप बना सकता है। इन सामग्री में से गुड़, बेसन एवं गोबर को पानी या तो गौमूत्र का उपयोग करके ठीक से मसल कर लिक्विड जैसा बना लें। अब इन सामग्रियों को एक ड्रम में डालकर उसे लकड़ी के एक डंडे से घोलना है। ठीक से घोलने के बाद जीवामृत बनने के लिए 2 से 3 दिन तक छाया में रख देना है। प्रतिदिन सुबह और शाम घड़ी की सुई की दिशा में लकड़ी के डंडे से 2 मिनट तक इसे घोलना है और जीवामृत को बोरे से ढक देना है। यह जीवामृत जब सिंचाई के साथ खेत में डाला जाता है तो भूमि में जीवाणुओं की संख्या अविश्वसनीय बढ़ जाती है और भूमि के रासायनिक व जैविक गुणों में वृद्धि होती है। जीवामृत को महीने में 2 बार या 1 बार उपलब्धता के अनुसार 200 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से सिंचाई के पानी के साथ दीजिए। फलों के पेड़ों के पास दोपहर 12 बजे जो छाया पड़ती है, उस छाया के पास प्रति पेड़ 2 से 5 लीटर जीवामृत भूमि पर महीने में 1 बार या 2 बार गोलाकार में डालना है। इससे मिट्टी स्वस्थ बनती है और फसल भी उतनी ही बेहतर मिलती है। इससे किसान के मित्र माने जाने वाले केंचुओं की संख्या बढ़ती है। प्राकृतिक कृषि में गहरी जुताई की भी जरूरत नहीं होती है। इतना ही नहीं, प्राकृतिक कृषि भूमिगत जल को भी बढ़ाती है। इस प्रक्रिया से मुख्य फसलों के साथ सहयोगी फसलों को भी उगाया जा सकता है।